केदारनाथ एक ऐसा शंकर जी का धाम जिसको ना समय झुका पाया, ना प्रकृति मिटा पाई और ना ही किसी का राज जिसको हिला पाया। एक ऐसे चमत्कारी धाम के बारे में आज हम बात करेंगे, केदारनाथ के बारे में। 400 साल तक बर्फ में दबे रहने वाले इस मंदिर के चमत्कार के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे ये मंदिर 400 साल तक बर्फ़ में दबा रहा था। एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला वीरवार की शाम को, जी हाँ, एक बहुत बड़ा तूफान आया चोराबारी ग्लेशियर पर, जिसकी वजह से बर्फ़ का एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बारा बनकर नीचे की तरफ चला। 13 जून का वो भयंकर जलप्रलय जिसने इसी तरह चोराबारी ग्लेशियर से आकर पूरे केदारनाथ को नष्ट कर दिया था, और सिर्फ ये मंदिर बच पाया था। ये ऐसा चमत्कारी मंदिर है दोस्तों, जो कि मुग़ल साम्राज्य के दौरान जो है बहुत सारे हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मंदिर रहा जो कि उस जो है समय में बर्फ़ के अंदर दबा रहा। जी हाँ, 1300 ईस्वी के अंदर जो है ये मंदिर बर्फ़ के अंदर चला गया था। एक बहुत बड़ा हिमपात हुआ यहाँ इस घाटी के अंदर, और जो मानने वाले कहते हैं, साइंटिस्टों ने माना है ये कि ये पूरा मंदिर जो है वो बर्फ़ के अंदर दब गया था। इतनी बर्फ़ इस घाटी में गिरी है, पूरा मंदिर बर्फ़ में रहा 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। पूरे 400 साल तक ये जो मंदिर है ये बर्फ़ में दबा रहा। उस समय बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन यहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस मंदिर को कोई देख भी नहीं पाया था। ऐसा चमत्कार हुआ था 1300 और 1700 ईस्वी के बीच में ही, और एक ऐसी ही आपदा आई थी जिसमें बहुत बड़ा जल प्रलय आया। चारों तरफ जल ही जल, चारों तरफ पानी ही पानी, लोग चिल्ला रहे थे। और जितना भयंकर तूफान होता है, इतनी भयंकर गति से जो है यहाँ से ऊपर से पानी चोराबारी ग्लेशियर से चलकर केदारनाथ की तरफ आ रहा था, और उसी जो है धार की वजह से जो है अगर वो मंदिर को टकराती तो मंदिर नष्ट होने के अनुमान थे। लेकिन यहाँ चमत्कारी शक्तियाँ ऐसी विराजती हैं कि काल भैरव की शक्ति की वजह से जो है यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर जो है मंदिर के पीछे आके रुक गया, जिसकी वजह से ये पानी दो बहाव में बट गया था और केदारनाथ मंदिर पर पीछे से कोई जल का नुकसान नहीं हो पाया था। तो इतना चमत्कारी ये मंदिर, हर साल हजारों लाखों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। सदियों से ये पवित्र माना गया बाबा केदारनाथ का धाम मोक्षदायिनी धाम कहा जाता है। कलयुग के अंदर साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है केदारनाथ दर्शन से, इतना दिव्य मंदिर है ये बाबा केदारनाथ का। तो इस तरह के जो है बहुत सारे संकट भी जो है आज तक केदार बाबा के मंदिर को जो है नुकसान नहीं पहुँचा पाए हैं। तो ऐसा मंदिर है हमारे बाबा भोलेनाथ का। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।